आजम खान रामपुर पुलिस के खिलाफ मिलेंगे राष्ट्रपति से और भारत सरकार से एक बड़े कमीशन की करेंगे मांग। यूपी के रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान रामपुर पुलिस प्रशासन के जुल्मों को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे और रामपुर पुलिस की गुंडागर्दी और जुल्मों की शिकायत करेंगे और भारत सरकार से एक बड़े कमीशन की मांग करेंगे। उसी में ये भी एक वाकया है, हमें इनकी तलाश थी लेकिन ये हमें नहीं मिल सके थे, हम शिकायत चाहते थे कि कल की मीटिंग में हम इस शिकायत को भी रखते। बहुत संगीन मामला है, हम एक बार फिर लोगों को बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि आतंकी हमले से रामपुर को महफूज रखा जाए, लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए। ये मासूम बच्चा, क्योंकि इसके चेहरे पर दाढ़ी है, ये मासूम है, गरीब है, ख़ास वर्ग का है, क्या इतना हक भी नहीं होगा कि अपने परिवार को पाल सके, अपने बच्चों को पाल सके? पुलिस ये करेगी हमारे साथ? मुकदमा करेंगे तो मारेगी पुलिस, उठा कर ले जाएंगे घर से, पेशाब पिलाने की कोशिश करेंगे। ये शिकायत हम करेंगे राष्ट्रपति से, कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, नहीं मिल सकेंगे वो तो हम अपनी शिकायत उन पर भेजेंगे। जी, मेरा नाम शालम है, वनपुर स्टेडियम के सामने चाय का होटल चलाता हूँ। मेरे होटल पे तकरीबन एक महीने पहले 22 तारीख की रात को पुलिस आई और आने के बाद लाठीचार्ज किया, बदतमीजी की और वहाँ बैठे टूरिस्टों को मारा और मेरे गले में रखे हुए 7-8 हज़ार रुपये पुलिस ने लूटे मेरे सामने, और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मेरे फ्रिज में से निकाली और गंदी गंदी गालियाँ दी और कहा कि अगर मेरी शिकायत की तूने तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद सुबह को जब मैंने उनकी शिकायत एसपी साहब से की तो कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद मैंने उनके खिलाफ़ मुकदमा किया। मुकदमा जब मैंने किया 19 तारीख को उनको, अब जो 19 तारीख आई थी उनमें अदालत में पेश होना था, तो उन्होंने 19 से पहले 13 तारीख को रात को आन के मुझे वो थाने ले गए और ले जाके मुझे बंद कर दिया, मुझे मारा, काफ़ी बदतमीजी की और अपनी जेब से में रखा हुआ चरस का पैकेट निकाल के मुझे दिखाया और मुझसे कहा कि चरस हम तेरे ऊपर लगाएंगे और सालों तक तेरी जमानत नहीं होगी। जब मेरे बड़े भाई उनसे पूछने के लिए पूछ गए कि इनका क्या कसूर है, क्या वजह, किस वजह से आप लेकर आएँ, तो इन्होंने उनको भी गालियाँ दी और उनसे बदतमीजी करी। जब उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी तो इन्होंने उनसे 25,000 रुपये की रिश्वत लेके रात में मुझे छोड़ा और इन्होंने कहा कि सुबह तक मुकदमा वापस ले लेना, अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो अब भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इन्होंने कहा कि अगर तुझे मुकदमा वापस नहीं लिया तुझे और तेरे घर वालों को किसी को भी उठा के चरस के मुकदमे में बंद कर दूंगा। फिर मैंने इसकी शिकायत सुबह राज्य मानव अधिकार आयुक्त से की और मैंने DIG, IG और मुख्यमंत्री जी को सबको एक फैक्स किया। उसके बाद जानकी मालिक नरेंद्र कुमार त्यागी थानागंज इंस्पेक्टर से खतरा बना हुआ है, आप इसकी हिफाजत, आप इसकी क्या कहते हैं मेरी हिफाजत करवाएं और इसकी शिकायत में मोहम्मद आदम खान साहब से मैंने करना है। पुलिस इस वजह से, कोई वजह नहीं सर, इस वजह से कर रही है, क्या कहते हैं मुकुंद के ऊपर मुकदमा कर दिया, मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो आपने क्यों किया था मुकदमा? मुकदमा उन्होंने मेरे होटल पर आके तोड़फोड़ की, बदतमीजी की, पैसे लूट के ले गए। उससे पहले एक बार उन्होंने एक सिपाही से अपना महीना बांधने के लिए करवाया था, कितने 1,000 रुपये हमें महीना चाहिए, तेरा होटल अच्छा चलता है।